लो 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 पढ़ो आगे थे बाप तो आगे जो इंदर देना ऐसा आएंगे तो बताना नहीं इधर इधर कर पाएंगे तो Please join us for a cup of tea. फाइट नहीं लेनी मैंने, मैंने खुद ही बोल रहा हूँ। आईजी साहब की होगी है वो, वही फिट कर, वही होगी। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 6 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਟ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਟ ਨੇ ਇਹ 1 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਪੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੀਅਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਕੀ ਬੀਓਪੀ ਰੋਸੇ ਮੇ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਜਵਾਨ ਵਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਥੇ ਕਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੁਕੀ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਫੌਗ ਕੀ ਵੀ काफ़ी इंसिडेंस हो रहे हैं तो सब मुस्तैद उसमें थे। उसमें जो दो जवान हमारे वहाँ पर थे उनको एक मूवमेंट वहाँ पे नज़र आई फेंस के आगे और जिस जगह ये मूवमेंट नज़र आई वो वहाँ से फेंस के आगे आई। इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वो मात्र 30 मीटर दूरी पे है और उनको लगा कि कुछ लोग दो तीन लोग क्रॉल करते हुए इधर आ रहे हैं तो इस पर उन्होंने समझदारी का इन्होंने एक परिचय दिया और फिर इन पर फायर खोले। लगभग 20 राउंड उसमें फायर किए गए रात में और जो लोग उधर से आ रहे थे वो वहाँ से भाग गए। तो उसके बाद में जब तलाशी ली गई तो अब तक का पंजाब फ्रंटियर की जहाँ तक बात की जाए सबसे बड़ा ये बरामदगी हुई। 55 पैकेट्स हेरोइन के मिले हैं, लगभग 55 किलो, और 2 32 बोर के रिवॉल्वर भी वहाँ से बरामद हुए हैं। हालांकि जो गोली रात में चली उसमें कोई भी व्यक्ति जो उधर से आ रहे थे वो कोई घायल होना ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। वो लोग चूँकि आईबी काफ़ी पास में थी और वो वहाँ पर वापस पाकिस्तान की तरफ भाग गए। तो ये घटना हुई है जो दो हमारे जवान जिन्होंने बहुत ही समझदारी और बहादुरी का परिचय दिया जिनके कारण से ये उपलब्धि बीएसएफ को पंजाब में मिली है। अब बॉर्डर पे लगातार प्रयास होते रहे हैं और ख़ासतौर पे इस मौसम में इस हेरोइन को स्मगल करने का, लेकिन जो हमारी एजेंसीज हैं बीएसएफ